नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हरदोई के थाना भेनीगंज के अंतर्गत ग्राम कटघरा के जंगल में रामू लोहार पुत्र स्वर्गीय भारत लोहार निवासी सरसौली थाना सिधौली जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया। रामू के पास से एक 12 बोर की देसी बंदूक, 3 देसी 12 बोर के तमंचे, एक 315 बोर का तमंचा निकला और अवैध शस्त्र बनाए जाने के भारी उपकरण मिले, जिसके समाना बेनीगंज पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। रामू पहले भी अवैध शस्त्र बनाने के अपराध में जेल जा चुका है। रामू का एक साथी भी जो रामकुमार पुत्र रामलोकन निवासी लोधोरा थाना बेनीगंज का है, वो मौके से फरार है। गिरफ्तार करने वाली टीम प्रभारी निरीक्षक राजकरण, SI शिवशंकर मिश्रा, SI आदित्य प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश, पंकज कुमार वेद प्रकाश आदि पुलिस कर्मी मौजूद रहे। रिपोर्टर रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। किया है जिसमें कि हमारे डिविजनल एसपी साहब के नेतृत्व में एक शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और ये पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एक बड़ी सफलता है, जिसमें कि 4 तमंचे और एक बंदूक मिली है और बहुत सारा सामान मिला है और पंचायत चुनाव में इसका डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, जिसमें कि शराब और अवैध शस्त्रों का जो इस्तेमाल है उसमें रोक लगेगी और हमारे पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।